दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का आप वैकेंसी अप्लाई करते हैं, या फिर दोस्तों आप सीएससी वीएलई हैं, आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, या किसी भी प्रकार का जब आप कोई ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसमें दोस्तों फोटो सिग्नेचर या आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने की बारी आती है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसानी से जिस भी साइज़ में आपको डिटेल मांगा जाता है उस साइज़ में आप रिसाइज कर सकते हैं। और साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आप सभी के लिए काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इसे आप फॉलो करेंगे तो जब भी आप अपने सीएससी सेंटर में बैठेंगे, आप ऑनलाइन का काम करेंगे, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूंगा सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही हमारे इस चैनल पर दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जहां पर आपको अलग अलग कैटेगरी के वीडियो देखने को मिलेंगे, तो यहां पर भी आप विजिट करके अलग अलग कैटेगरी के वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम सीएससी से एनएसडीएल पोर्टल से अगर पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो उसमें दोस्तों कुछ अपलोड करने का जो साइज होता है वो लिखा हुआ रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि एनएसडीएल से अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, अगर आप मान लीजिए ई साइन बेसिट पे, तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस होता है उसमें आपको मांगा जाता है कि आप फोटोग्राफ को अपलोड कीजिए 200 DPI में, यानी कि 200 DPI में, और आपका जो डॉक्यूमेंट साइज होगा दोस्तों वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो भी उसका मतलब हाइट और विड्थ होगा वो 3.5 और साथ में 2.5 सेंटीमीटर में होगा। तो ये फोटो की बात है, और साथ ही सिग्नेचर दोस्तों रहेगा 200 DPI, साथ ही 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप 2x4.5 सेंटीमीटर में रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे अपलोड करने की बात करें हम डॉक्यूमेंट में, तो आपको आधार मांगा जाता है डॉक्यूमेंट, जिसमें PDF में मांगा जाता है, तो आप 300 KB तक के अंदर में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आप NSDL में जब भी आधार अपलोड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PDF में मांगा जाता है। पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, ये हमारा आधार JPG में है, ठीक है। इसे हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये आधार हमारा JPG में है, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, फिर हमें डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, और बहुत ही आसानी से हम ये आधार कार्ड PDF में डाउनलोड कर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं सो इन फोल्डर पर मैंने क्लिक किया और ये रहा वो आधार। बात करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई व्हाट्सएप में फोटो भेजता है जिसे आप पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको दिया है, तो आप मैक्सिमम देखे होंगे जब भी आपको कोई फोटो भेजता है तो वो कहीं पर भी खड़ा होकर फोटो हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उसमें बैकग्राउंड में ठीक नहीं रहता है। तो आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे दोस्तों गूगल पे कट आउट फ्रो, ठीक है, कट आउट फ्रो सर्च कर सकते हैं, और ये सारे वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज बैकग्राउंड इमेज है, उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इमेज है, उस इमेज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और एकदम इंस्टेंट दोस्तों, नेट पर निर्भर करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है, आपका जो इमेज होगा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज कलर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, सिंपली आप एक कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, ये था इसका बैकग्राउंड और ये है अभी इसका बैकग्राउंड। अब सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और ये इमेज हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो फोटो डाउनलोड हो गया है आपका, उसके बाद आप अभी जानेंगे कि कैसे हम रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करना बहुत ही आसान है, इसके लिए हम चले जाएंगे दोस्तों फोटोशॉप में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ओपन कर लिया। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इमेज को यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हम फोटो रिसाइज नहीं कर पाते हैं, तो फाइनली ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अभी आप देख सकते हैं ये हमने फोटो यहाँ पे ले आया है।
अभी सिंपली दोस्तों आपको सबसे पहले इसको क्रॉप कर लेना है। जब भी दोस्तों आप क्रॉप करेंगे तो यहाँ पे क्रॉप टूल पे क्लिक कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वेट और हाइट पहले से सेलेक्ट है क्या, अगर है तो इसको आप यहाँ से मिटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आपको इस प्रकार से इसे मिटा दीजिएगा। उसके बाद कितना DPI में मांगा है, 200 DPI में, तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा रेजुलेशन में 200 हमने कर दिया। अब आप सिंपली इसको इस तरह करके आसानी से क्रॉप कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए पैन कार्ड में। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसे क्रॉप कर लिया और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये फोटो हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब ये जो इसका टाइटल बार है आप देख सकते हैं इस इमेज का, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इमेज साइज में जाएंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तीनों में आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि पैन कार्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो अपलोड करना है, उसमें कितना मांगा है। तो 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मांगा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेंटीमीटर को सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों में सेंटीमीटर सेलेक्ट हो गया है। अगर इसमें से आपका सब ऑन है तो आप ये जो बीच वाला है, ठीक है, इसे आप ऑफ कर दीजिए और यहाँ पर हम कर देंगे 2.5। तो आप देख सकते हैं 2.5 मैंने लिख दिया। और उसके बाद जो भी इसका दोस्तों हाइट मांगा है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है 3.5 यहाँ पे हमने कर दिया है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दिया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वेट जितना मांगा है वेट लिखिएगा, हाइट जितना मांगा है हाइट आपको लिखना है और साथ में रेजुलेशन चेक करना है कि जितना मांगा है वो आपका यहाँ पे है कि नहीं। और अगर इसमें आपका क्लिक रहता है तो आप यहाँ पे चेक कर दीजिएगा, मतलब इसमें राइट क्लिक रहेगा, इसमें आपका हट जाएगा। ठीक है, इसमें आप अगर नहीं हटाते हैं तो यहाँ पर भी आपका एडिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। सक्सेसफुली पैन कार्ड के लिए जो आपका फोटो है वो आपका रिसाइज यहाँ पर हो चुका है। अब सिंपली आपको इसमें क्या करना है, कंट्रोल अल्ट दबाना है और उसके बाद सेव दबाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको आप कहीं भी सेव करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप PNG में या फिर JPG में जिसमें सेव करना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। यहाँ से मैं JPG में सेट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं अब आपको पूछेगा कि आप हाई क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं या किस में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, 28 KB या फिर 14 KB रख लीजिएगा, यहाँ पे हाई रहने दीजिएगा, यहाँ पे आपका दिखेगा KB में और इसे आप कर दीजिए सेव। अभी ये जो आपका फोटो है दोस्तों, आपका जो गैलरी है, ठीक है, यानी कि आपका जो फोल्डर है उसमें आपका सेव हो जाएगा। अभी आपको क्या करना होगा, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को आप यहाँ पर ले लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा सिग्नेचर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली इसे इस तरह करके क्रॉप कर लेना है। एंटर दबा दीजिएगा, क्रॉप हो जाएगा। इस टाइटल बार में राइट क्लिक कीजिएगा, इमेज साइज में जाइएगा। मैं 4.5 मांगा है तो 4.5 सेंटीमीटर रहने देंगे और यहाँ पे मांगा है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसके बाद कर देंगे इसको हम सेव। जैसे हम सेव करते हैं दोस्तों तो हमारा जो सिग्नेचर है ये बन के तैयार हो गया। फिर कंट्रोल ऑल्ट के साथ सेव दबा दीजिए और ये आप यहाँ से साइज बना लीजिए कि आपको किस में सेव करना है। मान लीजिए PG में सेव करना है, JPG सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए और यहाँ पर भी आप इसको कम कर लीजिए, यहाँ पर साइज दिखेगा और यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब सक्सेसफुली आपका ये जो डिटेल है सेव हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको बहुत ही आसानी से अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप अगर डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही आसानी से आप अपलोड कर पाएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कुछ इस प्रकार से क्रॉपिंग से रिलेटेड और भी आपको वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट में बताइए। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।